नमस्कार व्यूअर्स, मैं अनिरुद्ध शर्मा एमपी न्यूज़ पे एक बार फिर से हाजिर हूँ मार्केट की ताज़ा अपडेट्स आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। आज इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए, जहां निफ्टी 14,300 के नीचे जाके बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स ने भी 470 पॉइंट्स का गोता लगाया है। आरबीआई गवर्नर ने एनबीएफसी के लिए नए गाइडलाइंस जारी करने की का जिक्र करा है, जिसके चलते आज इतना पूरा प्रेशर हमें देखने को मिला है। दिन के दौरान हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली थी, जहां रिलायंस ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया, बट ओवरऑल आज मार्केट जो रहा वो लाल निशान में ही बंद होते हुए नजर आए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आज हम बात करते हैं तो मेटल ने सबसे ज़्यादा दबाव बनाया था, जहां पे मेटल इंडेक्स आपका 4% नेगेटिव बंद हुआ है। वहीं फार्मा में 2.77% की गिरावट रही, पीएससी सेक्टर में 2.61% की गिरावट थी और ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस, सारे सेक्टोरियल इंडेक्सेस आपके लाल निशान में ही बंद होते हुए नजर आए हैं। गेनर्स की अगर हम बात करते हैं तो गेनर्स में आपके यूपीएल, रिलायंस, टाइटन और एचडीएफसी बैंक गेनर रहे हैं। वहीं लूजर्स की अगर हम बात करते हैं तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी और हिंडाल्को आज के मेजर लूजर्स रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 6 शेयर्स आपके एडवांस में रहे, वहीं 44 शेयर आज गिरावट में बंद होते हुए नजर आए हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं अनिरुद्ध शर्मा स्वस्तिक इन्वेस्टमेंट की तरफ से एमबी न्यूज़ पे धन्यवाद। Investment and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.